हमारे स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटरमिनेंट के अंदर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हमने डिटरमिनेंट निकालना सीखा, उसके बाद माइनर एंड कोफैक्टर देखा, और आज हम देख रहे हैं किसके अंदर एडजॉइंट ऑफ है मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के अंदर क्या यूज में आएंगे, कोफैक्टर्स यूज में आएंगे, जो कि आपने लास्ट क्लास में सीखा था कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसके एलिमेंट हम अज्यूम कर लेते हैं A11, A12, A21, A23। ये हमारे क्या है एलिमेंट है, एक मैट्रिक्स के एलिमेंट है। कोफैक्टर हमने कैसे डिनोट किए थे, हमने देखा था कि कोफैक्टर या तो हम ए से डिनोट कर लें या फिर सी से डिनोट कर लें। तो यहां ए से हमने कैपिटल ए से मैट्रिक्स को डिनोट कर रखा है, तो हम कैपिटल सी ले लेते हैं। तो कोफैक्टर क्या हो जाएंगे, इस एलिमेंट के कोफैक्टर क्या हो जाएंगे, तो कोफैक्टर हमने जब निकालेंगे तो यह आ जाएगा C11, C12, C21, C23। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर क्या होगा C11, और कैसे निकाला था वो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर कैसे निकला था, C12 SE21 का निकला, C23 का निकला। ये हमने क्या निकाल लिए, कोफैक्टर्स निकाल लिए, किस मैट्रिक्स के, ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स का एडजॉइंट की बात हो रही है, बात हो रही है, इसको हम स्टेप से लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, जो आपने कोफैक्टर्स निकाले हैं उसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि ये जो आपने फॉर्म निकाली है कोफैक्टर्स C11, C12, C21, C22, 23 नहीं है, ये 22 है, ये जो आपने टू ऑर्डर फॉर्म में निकाली है, ऑर्डर फॉर्म मतलब क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ओवर किस में चल रहा है, स्क्वायर फॉर्म में ही चल रहा है। तो C11, C22 इसका क्या कर दिया हमने, ट्रांसपोज। इस टी का मतलब क्या है, ट्रांसपोज। इस टी का मतलब हम क्या लेके चल रहे हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या सीखा था हमने मैट्रिक्स के अंदर, कि पूरी की पूरी रो किस में चेंज हो रही है, कॉलम के अंदर चेंज हो रही है, कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गई। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, जो आपने कोफैक्टर निकाले उनका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कैसे किया, जैसे कि फर्स्ट रो ये थी हमारे पास C11, C12, तो इसके कोफैक्टर्स जो हमने ट्रांसपोज फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या हो गए, C11, C12, C21, C22। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन थी जिनके कोफैक्टर हमने लिए C11, C12, C21, C22 लिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला कि उन कोफैक्टर का हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गई, ये हमने किया एडजॉइंट ऑफ ए। अब कोई एग्जांपल लेके देखते हैं हम कि कैसे हम कर रहे हैं इसको। तो जैसे कि ए मैट्रिक्स हमने ले ली, ए बी सी डी ये ले ली हमने, तो एक मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसे कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर हम सी से डिनोट कर रहे हैं, C11। C11 का मतलब क्या हो गया, -1 की पावर 2, कि 1+1 कर रहे हैं कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया, डी आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट, ये टू ऑर्डर का था, टू ऑर्डर में हम डायरेक्ट निकाल रहे थे, माइनर निकाल रहे थे, उसके बाद कोफैक्टर निकाल रहे थे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट किया तो क्या आ गया, डी। तो ये तो हमारे पास आ गया डी। C12 जब हम निकाल रहे हैं तो 12 का मतलब क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3, क्योंकि 1+2 कर रहे हैं, कितना आ गया, 3 आ गया। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, सी, लेकिन -1 की पावर ऑड है तो कितना आ जाएगा, माइनस का सी। तो ये C21 निकाल रहे हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, वही -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जब हम सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, बी, ये हो जाएगा माइनस का बी हमारे पास। सेकंड रो सेकंड कॉलम जब सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर 4, जो कि इवन हो जाएगा। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम के अंदर क्या आ गया, ए आ गया। तो ये तो पॉजिटिव में आ गया ए। तो ये हमने कोफैक्टर्स निकाल दिए किसके, कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी सी डी जिनके कोफैक्टर्स ही आ गए, तो कोफैक्टर हम लिख देते हैं, और हमको डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ए कैसे लिख रहे हैं हम, कि एडजॉइंट ऑफ ए मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किसका, ए मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स ए थी हमारे पास। तो क्या निकल के आया, C11, C12 इन सबके कोफैक्टर, तो C11 कितना आया था, डी आया था, C12 कितना आया था,
माइनस सी आया था, सी टू वन कितना आया माइनस बी आया, और सी टू टू कितना आया ए आया, ये हमारी टर्म आ गई। लेकिन हमको करना क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर जो कोफैक्टर निकाले हैं, कि अपने अभी क्या करा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह लिखा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की जगह लिखा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाला सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की जगह लिखा है, और सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला सेकंड रो सेकंड कॉलम की जगह लिखा है। अब करना क्या है हमको, टी मतलब इन कोफैक्टर का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या आ रहा है, हमने कर दिया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया डी, और ये हो जाएगा माइनस का सी और माइनस का बी और ए, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारा पूरा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकल रहा है, कि हमने कोफैक्टर निकालना सीखा था, उन कोफैक्टर का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। पहले तो उसको उसी प्लेस पे लिखना है, फिर उनका ट्रांसपोज करना है। जरूरी नहीं है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आप डायरेक्ट यहां लिख दो, फिर टी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए आपने लिखा है और आपने उसी की प्लेस पे जो लिखा है कोफैक्टर्स, तो यहां ट्रांसपोज लगाना जरूरी है, या फिर आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या निकल के आया, सॉरी कोफैक्टर क्या निकल के आया था, डी माइनस सी माइनस बी और ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, इनका ट्रांसपोज कर दिया। तो ये हमने कर दिया डी माइनस बी माइनस सी ए। अब इसमें एज अ ट्रिक, टू ऑर्डर के लिए एक ट्रिक भी है इसमें, एडजॉइंट के लिए आपको ये इतना सब कुछ करने की जरूरत है नहीं, टू ऑर्डर के लिए, थ्री ऑर्डर में तो फिर भी हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। टू ऑर्डर का हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, कि ये जो एलिमेंट है टू ऑर्डर के लिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये और सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला, आप क्या कर देंगे इनको इंटरचेंज कर देंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटरचेंज होके सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला तो यहां आ जाएगा, और फर्स्ट रो इनके एडजॉइंट अगर हम करते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला तो यहां आ गया, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला इस जगह आ गया, ये हमारी फॉर्म आ गई। और इन दोनों का जब इंटरचेंज, तो यहां तो इंटरचेंज हो गया आगे A11, A22, और इन दोनों में जो होगा वो क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। जैसे कि A12 है तो A12 की जगह A12 ही आया, लेकिन क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। A21 की जगह A21 ही आया, लेकिन क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। तो टू ऑर्डर के लिए हम ये यूज कर सकते हैं कि जो ये एलिमेंट है डायगनल वाले, ये आपस में इंटरचेंज रहेंगे, और ये वाला डायगनल क्या हो जाएगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन किया था कि ए बी सी डी हमारे पास हैं, तो उनके कोफैक्टर जब हमने निकाले थे तो डी माइनस सी माइनस बी ए थे, इसका ट्रांसपोज भी जब हमने किया तो क्या आया, डी माइनस सी और माइनस बी ए, ये हमारे पास आगे कंडीशन। और अगर हम डायरेक्ट करते तो कैसे हो रहा था, कि हमने जैसे इस फॉर्मूले को यूज में लेते हैं, जो कि इतना टू ऑर्डर के लिए हमको करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा क्या, कि ये ए और बी ये तो आपस में चेंज हो जाएंगे, कि डी ए की जगह आ जाएगा और ए डी की जगह आ जाएगा, तो ये चेंज हो गया। और नेक्स्ट इसमें हम जब देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सेम अपनी प्लेस पे आएंगे, लेकिन क्या हो जाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए सेम प्लेस पे, लेकिन क्या हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई हो गए, एक्चुअल में इनका साइन माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस आ जाएंगे। तो टू ऑर्डर का एडजॉइंट हमको इतना सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट ही हम निकाल सकते हैं। थ्री ऑर्डर या उससे हायर ऑर्डर के लिए हमको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। जैसे थ्री ऑर्डर थ्री के लिए हम जब देख रहे हैं, थ्री इंटू थ्री के लिए हम जब देख रहे हैं, तो कंडीशन देख रहे हैं कि अभी तो टू ऑर्डर का देखा था, तो हमने कोफैक्टर्स भी निकाल के चेक किया था और डायरेक्ट मेथड भी देखा था। नहीं, थ्री ऑर्डर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स निकालने ही पड़ेंगे। तो इसमें कंडीशन क्या है, कि वही है कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल A11, A21, A31, 12, 13, 22, 23, ये 32 और ये 3 3 हो जाएगा, ये हमारे पास हो गई। अब इनके कोफैक्टर निकालते हैं, और कोफैक्टर के निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, कि C11, C कैसे डिनोट हो रहा है, कोफैक्टर्स हैं C, तो ये कोफैक्टर्स का C12 हो जाएगा, इसका C13 हो गया, और इसका C21, C22, C23, C31, C32 और C33, ये कोफैक्टर हो गए। लेकिन कोफैक्टर का क्या करना होता है, हमको इसमें ट्रांसपोज करना होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो निकल के आया वो हमारा क्या आ गया, इसके अंदर ये जो फर्स्ट रो है किसमें चेंज हो जाएंगी,
कॉलम में चेंज जाएंगी, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ये हमारा एडजंट ऑफ ए आ जाएगा किसके लिए, थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हमने क्वेश्चन दिया जिसका 133, 143, 133 ये एक मैट्रिक्स है जिसके ये एलिमेंट है। ये मान लेते हैं कि ये क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हमने ये एज्यूम कर रखे थे। ये क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि ये हमें दे रखा है ए मैट्रिक्स, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, उसको इस टाइप से अरेंज करेंगे या डायरेक्ट ही रो को कॉलम में चेंज करके हम लिख सकते हैं। तो मेन है इसमें निकालना तो हमको पड़ेगा ही, तो कैसे निकाल रहे हैं, C11 जब निकालते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट किया तो कितना आ रहा है, 16, 16 माइनस ये 9 हो रहा है तो ये कितना आ गया, 7 आ गया। और क्या होगा, ये पॉजिटिव भी होगा। C12 जब हम निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जब हम निकाल रहे हैं, 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 कितना आ गया, 1 आ गया, और ये आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस 2 हम जब कर रहे हैं, -1 की पावर 3, तो ये ऑड हो गया। फिर नेक्स्ट C13 जब हम कर रहे हैं, C13 के लिए कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जब हमने करी तो कितना आ रहा है, 3 माइनस का 4, कितना आया, -1 आया। और 1 प्लस 3 जब हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, इवन हो रहा है, तो -1 की पावर इवन हुई तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहां तो क्या है, ये एक्चुअल में माइनस ही रह गया। C21 के जब हम निकाल रहे हैं कोफैक्टर क्या हुआ है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ये चार बचे, 3 × 4 = 12, 12 - 9 ये कितना आ जाएगा, 3। लेकिन ये किसमें आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि 2 + 1 कितने हो गए, ऑड बन गए। ऐसे ही C22 के लिए जब सॉल्व कर रहे हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जब सॉल्व कर रहे हैं, तो 4 - 3 ये 1 आ जाएगा। और C23 जब सॉल्व कर रहे हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम जब सॉल्व कर रहे हैं, तो 3 - 3 ये 0 हो गया, ये हमारे पास आ गया। ऐसे ही C31 जब निकालेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जब निकाल रहे हैं, तो 9 - 12, तो ये आ गया, हमारे पास कितना आ गया, -3 आ गया। तो 3, 2 के लिए जब देख रहे हैं, थर्ड रो सेकंड कॉलम जब हमने देखा तो 3 - 3 ये 0 हो गया। और थ्री रो थर्ड कॉलम तो ये हो गया 4 - 3, ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये कोफैक्टर निकाल लिया हमने। इन कोफैक्टर को अगर इधर पुट करते हैं तो ट्रांसपोज करना पड़ेगा, और डायरेक्ट इधर ही कर रहे हैं तो ट्रांसपोज करने की जरूरत है नहीं। तो हम ये लिख देते हैं, एडजंट ऑफ ए क्या आ गया, 7 - 1 - 1, यहां लिखते हैं तो इस टाइप से लिखना पड़ता, लेकिन अगर हम डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिख रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, 7 - 1 - 1 ये लिखना पड़ेगा, -3 - 1 - 0 ये हो गया, -3 - 0 - 1। तो इस मैट्रिक्स का एक जो है मैट्रिक्स है, इसका एडजंट ऑफ ए क्या आ गया हमारे पास, इस टाइप से आ गया। हमको कोफैक्टर अगर ये लिखा तो ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा, और अगर डायरेक्ट लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तब ट्रांसपोज लगाने की जरूरत है नहीं। तो एडजंट ऑफ ए कैसे निकला, इस टाइप से निकला। तो ऑर्डर 2 के लिए तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, और डायरेक्ट अगर भूल जाते हैं तो कोफैक्टर निकाल के आपको सॉल्व करना है। 3 ऑर्डर के लिए तो कैसे सॉल्व करना है, कोफैक्टर निकाल के ही आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट अपन इसमें देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स की जैसे कि हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज देखी थी, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज देखी थी, टाइप्स देखे थे, ऐसे ही एडजॉइंट के मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हैं। तो ये प्रॉपर्टीज क्या हेल्प करेगी हमारी, कि अगर ये डायरेक्ट फॉर्म, मतलब ये एज ए फॉर्मुला ही हमको लर्न करने हैं, कि अगर ये हमें लर्न रहा तो क्वेश्चन हम डायरेक्ट इन फॉर्मुलेज में पुट करके, प्रॉपर्टीज में पुट करके निकाल लेंगे। अदरवाइज एडजॉइंट कैसे निकलता है आपने सीख लिया, डिटरमिनेंट कैसे निकलता है आपने सीख लिया, ट्रांसपोज कैसे निकलता है आपने देख लिया, तो इन सबको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और अदरवाइज हमारे पास पैरामीटर गिवन है और इन प्रॉपर्टीज में पुट करते हैं तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। मैं एक बता रहा हूं इसमें कंडीशन कैसे, कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एक मैट्रिक्स है और ये किससे मल्टीप्लाई हो रही है, कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कर रहे हैं, तो ये किसके इक्विवेलेंट आ रही है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एन ऑर्डर की, मतलब
स्क्वायर मैट्रिक्स में जाएगा, टू ऑर्डर की, थ्री ऑर्डर की, वो डिपेंड कर रहा है सब किस पे कि ए किस फॉर्म में है। तो ए हम एक मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, नेक्स्ट ए टू वन, टू टू, टू थ्री, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, ये हमने एक फॉर्म मान ली। अब कोफैक्टर्स लेते हैं तो कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं, सी सी डिनोट कर रहे हैं हम, तो इनके कोफैक्टर्स कैसे हो जाएंगे, सी वन वन और सी वन टू, सी वन थ्री, सी टू वन, टू टू, टू थ्री, थ्री वन, थ्री टू और ये थ्री थ्री, ये कोफैक्टर निकाल लिए। लेकिन हमको बात किस में करनी है, ए मैट्रिक्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स की। तो ए मैट्रिक्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या निकल के आएगी, एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी क्या, ये कोफैक्टर जो है इनका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ये हो जाएगा सी वन वन, सी वन टू, सी वन थ्री, टू वन, टू टू, टू थ्री, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, ये आ गया। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करें या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स करें तो क्या आ रहा है मैट्रिक्स फॉर्म में, तो जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि फर्स्ट रो, पहले वाले की फर्स्ट रो और सेकंड वाले की फर्स्ट कॉलम जब लेते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, इसमें कंडीशन देख रहे हो, एक बार हम बताते हैं कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या टर्म बन के आ रही है, ए वन वन सी वन वन, ए वन टू सी, ये सी वन वन, फिर ए वन टू सी वन टू, ए वन थ्री सी वन थ्री, ये आ गया। अब हमको ये पता है कंडीशन, जब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया था तो ये टर्म आई, और हमने डिटरमिनेंट का एक देखा था रूल कि अगर कोफैक्टर हमने निकाल रखे हैं और डिटरमिनेंट निकालना हो तो डिटरमिनेंट कैसे निकलता है कि जो हम एलिमेंट दे रहे हैं उसी के कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा डिटरमिनेंट निकाल के दे रहा है। जैसे कि ए वन वन लिया, सेम कोफैक्टर लिया, ए वन टू लिया, उसी का कोफैक्टर लिया, ए वन थ्री लिया, उसी का कोफैक्टर ले लिया, तो ये क्या ले लिया हमने, डिटरमिनेंट ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और अगर फर्स्ट रो को सेकेंड के साथ करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ए वन वन सी टू वन, ए वन टू सी टू टू, प्लस ए वन थ्री सी टू थ्री, ये आ गया। तो इसको तो हमने बोल दिया डिटरमिनेंट, और ये अगर एलिमेंट ले रहे हैं किसी और कोफैक्टर से, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी अदर रो कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो आंसर क्या दे रहा था हमको, जीरो दे रहा था। ये हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के अंदर देखा था, डिटरमिनेंट जब सॉल्व किया था तो क्या हो गया, ये ए वन वन सी टू वन से मल्टीप्लाई हो गया, ए वन टू सी टू टू से मल्टीप्लाई हो गया, ए वन थ्री सी टू थ्री से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आंसर हमको क्या दे रहा है, डिटरमिनेंट जीरो के इक्विवेलेंट दे रहा है। तो इससे क्या हिंट मिली कि सेम एलिमेंट, मतलब सेम रो और कॉलम का एलिमेंट सेम रो कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हमें डिटरमिनेंट निकाल के दे रहा है, और अदर के साथ हो रहा है तो आंसर क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है। तो अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जब हम सॉल्व कर रहे हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जब आपने सॉल्व किया तो क्या आ रहा है कि ये तो हो जाएगा डिटरमिनेंट कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो ये तो दे देगा हमको डिटरमिनेंट। अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ तो ये रो और कॉलम डिफरेंस आ रहे हैं तो ये दे देगा जीरो। इसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं आप, इन दो फॉर्म को ध्यान रखेंगे, फर्स्ट रो इसी के साथ ले रहे हैं तो ये भी डिफरेंट हो गए तो ये भी कितना दे रहा है, जीरो। इधर सेकंड रो अब कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम के साथ दे रहे हैं तो देखो ये डिफरेंट हो गए तो ये दे दिया जीरो। अब सेकंड रो वाला सेकंड कॉलम के साथ हो रहा है तो टू वन टू वन, टू 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 हो रहा है, टू थ्री हो रहा है, तो ये क्या देगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ऐसे ही सेकेंड रो थर्ड के साथ कर रहे हैं तो क्या दे रहा है, जीरो। इसी टाइप से ये सारे क्या दे रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के दे रहे हैं हमारे पास। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया, ये एक मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगी जिसमें डायगनल एलिमेंट क्या आ गए, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। अब इसमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करेंगे तो भी यही कंडीशन आएगी,
हमने क्या प्रॉपर्टी लर्न की है कि इसको क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आईएन, आईएन मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपने देख लिया, तो इसको आप क्या कर रहे हैं, इसमें से डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन लिया तो ये बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब के आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं ए आई थ्री, आई थ्री मतलब थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो क्या फॉर्म में ड्राइव हुआ कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए या ए कर रहे हैं तो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, एंड मतलब क्या आ रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब थ्री ऑर्डर की टू ऑर्डर की, तो किया ये निकल के आया। तो इतना सॉल्व ना करना पड़े आपको, अगर प्रॉपर्टी लर्न है तो हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो प्रॉपर्टीज लर्न रखना जरूरी है जिससे आपका टाइम बचेगा। तो प्रॉपर्टीज में जैसे हमने देखा कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a किसके इक्विवेलेंट था, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई एन, आई एन मतलब क्या था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, n ऑर्डर की, टू ऑर्डर की, थ्री ऑर्डर की, फोर ऑर्डर की। तो ये आपको प्रॉपर्टीज अगर लर्न रहती है तो क्वेश्चन हम इजिली सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज क्या करना है वही हमको कोफैक्टर्स निकाल के या डिटरमिनेंट निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट, कि मतलब पहले तो आप एडजॉइंट ऑफ a निकालें, एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकलता है, कोफैक्टर्स निकाल के कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना, तो उसका जो आपको वो मैट्रिक्स बनेगी। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स बन गई, हम छोटी मैट्रिक्स ले लेते हैं सी वन वन और ये सी वन टू, सी टू वन, सी टू टू, ये एडजॉइंट ऑफ a निकल गया आपका। अब ये एडजॉइंट ऑफ a निकल गया, अब इसका डिटरमिनेंट लेना है। तो अभी तो पहले तो हमने कोफैक्टर निकाला, फिर इसका डिटरमिनेंट ले रहे हैं, तो डिटरमिनेंट लेने के लिए क्या होगा, ये मॉड कर देंगे हम। और डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, अगर ये 2 इंटू 2 का है तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो अगर हमें ये प्रॉपर्टी लर्न है तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे कि ए मैट्रिक्स जो भी थी हमारे पास तो उसका डिटरमिनेंट क्या आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, जो भी आया उस पर कर दिया, पावर लगा दी हमने एन माइनस वन। एन क्या है यहां पर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एन लिख लीजिए आप क्या है यहां, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये हो गई हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, क्योंकि डिटरमिनेंट फॉर्म किसमें चलता है, स्क्वायर फॉर्म में चलता है, तो एन आ गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ, किसका एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब एडजॉइंट भी एडजॉइंट ऑफ ए कर रहे हैं, तो क्या निकल के आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए आपने देखा कि कोफैक्टर में निकल के आता है तो उसका भी एडजॉइंट निकालना है, तो वापस कोफैक्टर, इसका जो आया आंसर इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, तो वो किसके इक्विवेलेंट जा रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू ए, क्योंकि यहां मॉड नहीं लगा हुआ तो ये एडजॉइंट ऑफ ए मतलब पूरा आंसर किस फॉर्म में आएगा, कोफैक्टर फॉर्म में ही आएगा, तो वो मैट्रिक्स कहां से आएगी, इसलिए क्या मल्टीप्लाई हो गया, ए मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट अगर इसी टर्म का हम डिटरमिनेंट लेते हैं तो पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, फिर वापस उसका एडजॉइंट लेना पड़ेगा, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, तो वो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, मतलब एक बार आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, फिर वापस इसका एडजॉइंट निकाला, तो हमने कंडीशन ली थी एडजॉइंट ऑफ ए, अब उसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए किस फॉर्म में आ रहा है, कोफैक्टर फॉर्म में आ रहा है, मतलब एक मैट्रिक्स फॉर्म में आ रहा है, उस मैट्रिक्स का एक बार डिटरमिनेंट निकालने के बाद हमको जब सॉल्व करेंगे तो कंडीशन क्या आ रही है, डिटरमिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ये अभी आप फॉर्म ध्यान रखिए, फिर अभी हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, तो इसको हम किस साइड से लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में उनका एडजॉइंट लेना है, तो हम इसको अलग अलग ब्रेक भी कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड वाली पहले लिखनी पड़ेगी, एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ ए होल टू द पावर एम, या एम क्या है, तो एम जो भी कंडीशन है इसमें एम क्या लेके चल रहे हैं अपन, एम आप लिख लीजिए, एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एम कोई सा भी एक क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, तो हम ए की पावर एम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए होल टू द पावर एम लिख सकते हैं। जैसे a का स्क्वायर किया था तो हमने कैसे किया था, a को a मैट्रिक्स को दो बार मल्टीप्लाई किया था, ना कि उनके एलिमेंट का स्क्वायर कर दिया था, a क्यूब का मतलब क्या हुआ, a मैट्रिक्स को तीन बार मल्टीप्लाई किया था, ना कि उनके एलिमेंट्स का क्यूब किया था, तो वही है एडजॉइंट ऑफ a भी क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म में ही आ रहा है तो उस पर पावर जा रही है, तो क्या हो रहा है उसी को
फर्दर मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। नेक्स्ट है एडजेंट ऑफ के ए, यहां के क्या बिलोंग कर रहा है, के क्या हो जाएगा, के बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, के क्या आ जाएगा, कोई भी इंटीजर हो जाएगा, और ए हमारे पास मैट्रिक्स है तो क्या लिख सकते हैं, के टू द पावर एन माइनस वन, इसकी फॉर्म क्या होगी, के टू द पावर एन माइनस वन इंटू एडजेंट ऑफ ए। नेक्स्ट है एडजेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजेंट करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आपको हम कुछ भी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, कैसे भी फॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूनिट मैट्रिक्स का एडजेंट करते हैं तो क्या आएगा, यूनिट मैट्रिक्स ही आएगी। जीरो का एडजेंट निकालेंगे, जीरो मैट्रिक्स का एडजेंट निकालेंगे तो किसके इक्विवेलेंट आएगा, जीरो ही आएगा। ये फॉर्म कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक है, सिमेट्रिक आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आ रहा है, सेम मैट्रिक्स आ रही तो क्या होती है, सिमेट्रिक। तो कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडजेंट ए भी क्या हो जाएगा, उस मैट्रिक्स का एडजेंट भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक ही हो जाएगा। नेक्स्ट है ए इज डायगनल, डायगनल आपने देखे थे कि डायगनल कुछ ना कुछ एलिमेंट होते हैं, आधा एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, तो इसमें कंडीशन बता रखी है कि ए अगर डायगनल मैट्रिक्स है तो उसका एडजेंट ऑफ ए भी क्या हो जाएगा, डायगनल ही हो जाएगा। ए इज ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर ए कोई मैट्रिक्स है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ट्रायंगुलर में आपने क्या देखा था, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, तो कोई एक मैट्रिक्स है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका एडजेंट भी क्या निकल के आएगा, ट्रायंगुलर ही निकल के आएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म में ही आएगा। एक और है इसमें, अगर ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, एक और लिख लीजिए आप इसमें, ये 14 हो जाएगी कि ए इज सिंगुलर, ए इज सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, जीरो के इक्विवेलेंट आ रहा है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए हम जब निकाल रहे हैं वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, जीरो के इक्विवेलेंट आ रहा है, तो वो क्या हो रही है, सिंगुलर, तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जब निकालेंगे तो वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, जीरो के इक्विवेलेंट ही आ जाएगा, कि ए का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो कोई एक मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स का पता लग गया कि उसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, जीरो इक्विवेलेंट आ रहा है, तो डिटरमिनेंट उसका एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जब हम करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, जीरो के इक्विवेलेंट ही आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज एक बार आप लिख लीजिए और इनको लर्न कीजिए, फिर इसी पे फॉर्म पे आप क्या करते जाएंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपका जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज कोफैक्टर निकाल के सॉल्व करना और डिटरमिनेंट निकाल के सॉल्व करना तो हमको आ ही गया है, इन प्रॉपर्टीज ये हमें क्या करेगी, हेल्प करेगी डायरेक्टली आंसर लाने में। जैसे क्वेश्चन हमने लिया कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो कैसे कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को, तो दोनों तरीके से करके देख लेते हैं, आगे आप यूज करना प्रॉपर्टीज ही कि वो इजी कर लेगा हमारे क्वेश्चन। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए मैट्रिक्स तो है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता है क्या निकलता है, कोफैक्टर फॉर्म में निकलता है, सी वन वन सी वन टू इस फॉर्म में, तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं हम इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट यहां लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए के कोफैक्टर्स क्या हो जाएंगे, C11, C12, C13, C21, 22, 23, 31, 32, 33, ये हो जाएंगे। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना हो गया 8, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6, तो ये 2 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 0 माइनस माइनस प्लस, ये 9 आ गया, तो ये आ गया 9, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जब ये हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये 0 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 6। अब इसमें हम साइन लगा लेते हैं एक बार कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था तो ये तो जो एक्चुअल में साइन है वही आ गया, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम था तो 1 + 2 माइनस 1 की पावर 3 कर रहे हैं, मतलब ऑड आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो यहां पॉजिटिव था तो ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया, ये 1 3 था तो 1 3 सॉल्व कर रहे तो इवन आ गया, तो जो एक्चुअल में साइन है वही हो जाएगा। नेक्स्ट हम कर रहे हैं 2 1, ये वाली कंडीशन निकालते हैं, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जब सॉल्व कर रहे हैं तो कितना हो गया माइनस का 8, ये तो माइनस का 8 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गए
प्लस का 4 हो गया, तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 4। और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 4, और ये आ गया 4 माइनस का 6, ये आ गया माइनस का 2। और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जब सॉल्व कर रहे हैं तो सॉरी सेकेंड रो और सेकेंड रो और थर्ड कॉलम जब सॉल्व कर रहे हैं तो कितना हो गया, माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस प्लस का 6, तो ये आ गया हमारे पास 4। अब इस पे साइन देख लेते हैं, तो ये तो है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड 2 प्लस 1 जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ऑड हो गया, ऑड होने में क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 2, तो ये इवन ही हो गया, जो एक्चुअल में साइन है वही हो जाएगा, 2 3, ये ऑड हो गया, तो ये कितना हो गया। नेक्स्ट 3 1 3 2, ये वाली कंडीशन निकालते हैं, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस का 6 सॉरी प्लस का 6 हो जाएगा, 6 और माइनस का 4, 6 माइनस 4 ये 2 आ गया। थर्ड रो सेकेंड कॉलम जब सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस का 3 और ये 0 हो जाएगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा ये। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम जब सॉल्व कर रहे हैं 2 2 ही आ गया, ये तो 0 हो जाएगा। इसका साइन देखते हैं, 3 1 के अकॉर्डिंग इवन हो गया, तो ये तो एक्चुअल में जो साइन है वही रहेगा, यहाँ 3 2 ये ऑड हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गए, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, 3 3 इवन है, तो एक्चुअल साइन है वही आ गया, तो ये हमारे आंसर आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया हमारे पास कि ये फॉर्म। अब क्या करना था हमको इसमें, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जब हमने किया तो कैसे कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कीजिए इसको, 2 और ये टर्म आ जाएगी माइनस 2 इंटू प्लस, ये हो जाएगा 18। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कैलकुलेशन कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा 8, फर्स्ट रो जब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ होगा तो ये 0 आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ आएगा तो ये 0 आ जाएगा, ये 8, ये 0 आ रहा है, ये 0 0, और ये कितना आ गया, 8 आ गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए था तो हमने क्या लिखा, इसको 8 कॉमन ले लेंगे और ये क्या बन जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये फॉर्म बन गई। तो इसको क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 8 इंटू I3 ये बन के आ गया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने ये तो हमको इतना सॉल्व करना पड़ा, और कि पहले को फैक्टर निकाला, को फैक्टर के निकालने के बाद ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा और ये आंसर आया। तो ये डायगनल फॉर्म जिसके 8 थे तो हमने कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, 8 इंटू यूनिट मैट्रिक्स, तो 8 इंटू I3 हो गया। और अगर आपको प्रॉपर्टी ध्यान होती तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्टली आपसे सॉल्व हो जाता। क्या सॉल्व करते हैं हम इसको कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्विवेलेंट था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन ऑर्डर की, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसके इक्विवेलेंट था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के। तो आई तो हमको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिक्कत किसकी भी, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लें, और वो देखिएगा 8 के इक्विवेलेंट ही आएगा, देख लेते हैं निकाल के। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब हमने किया क्या आ गया, 1, क्या हो गया, 2 4 8, 8 और ये प्लस का 6, 14 हो जाएगा, 8 सॉरी माइनस का 6, ये इस टाइप से लिख देते हैं, 8 माइनस 6, 2 4 जा 8, और ये प्लस का था लेकिन किसमें हो गया, माइनस में, फिर -2 था सेकंड कॉलम जब कट कर रहे हैं तो माइनस में था, तो माइनस माइनस क्या हो गए, +2, साइन चेंज हो रहे हैं डिटरमिनेंट के अंदर, ध्यान है आपको, तो ये हो गया, तो ये तो क्या 0, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 9 आ गया। और थर्ड कॉलम के लिए देख रहे हैं तो 3 क्या नंबर बच रहे हैं,
जीरो और ये हो गया माइनस का सिक्स। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना निकल के आ रहा है, टू प्लस 18 और ये हो गया माइनस 18। ये कहीं गड़बड़ हो रही है हमारी, ये तो इसका आंसर तो सिर्फ 2 ही आ गया। वापस देखते हैं, डिटरमाइंट गड़बड़ हुआ है क्या, कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, 2 इंटू 4 8, 8 माइनस का 6 ये सही है, सेकेंड माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2 आ गया, फिर 0 माइनस माइनस 9 ये भी सही है, फिर यहाँ हमने किया कंडीशन थर्ड के लिए 2 और ये यहाँ 3 नहीं, यहाँ लिखना है अपन को 2 और ये 0 और ये हो गया 6 और ये माइनस का 6, यहाँ 2 लिखना था, तो ये था हमारे पास 2 आ गया था, ये 18 आ गया था और ये माइनस का 12 हो गया, तो 18 माइनस 12 6, 6 प्लस 2 8, तो डिटरमाइंट ऑफ कितना आया ए, डिटरमाइंट ऑफ ए आ गया हमारे पास 8 के इक्विवेलेंट। तो इस प्रॉपर्टी में जब लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, 8 इंटू आई, एन किसने है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आई 3। तो इतना ज्यादा सॉल्व करने से अच्छा है हमने प्रॉपर्टी लर्न करी, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसके इक्विवेलेंट है, डिटरमाइंट ऑफ ए इंटू आई ऑर्डर एन के लिए, सिर्फ डिटरमाइंट ऑफ ए निकालना रहा हमको और उसको आईडी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिटरमाइंट निकाल के हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। तो ये हमारे लिए बेटर ऑप्शन है कि इतना कोफैक्टर निकाल के इतना सॉल्व करें। क्वेश्चन के अंदर हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है 102 माइनस 121 1 माइनस 30 और एक बी है, बी ये भी मैट्रिक्स ही है जो क्या दे रखी है, एडजॉइंट ऑफ ए के इक्विवेलेंट है, और सी एक और मैट्रिक्स है जो कि किसके इक्विवेलेंट है, 5 टाइम्स ऑफ ए के इक्विवेलेंट है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है कि एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ सी, ये हमको डिवाइड करना है और इसका आंसर देखना है क्या आएगा। तो मैट्रिक्स तो डिफिनेशन फॉर्म में जाती नहीं है, तो किस में जा रही है, डिटरमिनेंट फॉर्म में, तो डिटरमिनेंट क्या निकाल के दे रहा है, वैल्यू निकाल के दे रहा है, तो एडजॉइंट ऑफ बी का जो आंसर आ रहा है उसको किससे डिवाइड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ सी से डिवाइड करना है। तो इसको फॉलो करते हैं, एक बार डायरेक्ट लंबा प्रोसेस देख लेते हैं और एक शॉर्ट फॉर्म जो अगर प्रॉपर्टी आपको लर्न रही उसके अकॉर्डिंग भी देखते हैं। तो ए हमारे पास ये है, तो इसमें हम देखते हैं बी किसके इक्विवेलेंट है, एडजॉइंट ऑफ ए के, तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए ही निकाल लेते हैं जो कि डायरेक्ट आपको पता है C11, C12, C13, तो डायरेक्ट निकालते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस का 3, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देख रहे हैं तो 0 और प्लस का 6, ये 6 हो जाएगा, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जब हम देख रहे हैं तो 0, ये हो जाएगा माइनस का 4। अब साइन देखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये नेगेटिव हो जाएगा, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये एक्चुअल साइन में रहेगा कि माइनस 1 की पावर हम देख रहे हैं ऑड या इवन किसके अकॉर्डिंग। अब फर्स्ट रो सेकंड रो सॉरी अब सेकंड के लिए स्टार्ट करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये 0 माइनस का 1, और सेकंड रो सेकंड कॉलम जब कर रहे हैं तो 0 और ये हो जाएगा माइनस का 2, सेकंड रो थर्ड कॉलम जब हम कर रहे हैं सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 1 और प्लस का 2 ये हो जाएगा 3। साइन देखते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब कि माइनस में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम इवन हो गया तो एक्चुअल साइन है वही आ गया, सेकंड रो थर्ड कॉलम ऑड हो गया तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, ये हमने कंडीशन की। अब देखते हैं इसमें थर्ड के लिए, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जब हम कर रहे हैं तो ये प्लस का 3 और माइनस का 2 तो ये 1 आ गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम जब हम कर रहे हैं तो माइनस का 3, ये माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि वो 0 हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम जब कर रहे हैं तो 2, ये 2 ही रह जाएगा, साइन चेक कर लेते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 प्लस 1 इवन हो गया तो एक्चुअल साइन यही आ गया, 3 प्लस 2 ऑड हो गया तो माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, और 3 3 ये क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये एक्चुअल साइन यही रह जाएगा, तो एडजेंट ऑफ ए ही आ गया हमारे पास।
और ये किसके इक्विवेलेंट था, बी के इक्विवेलेंट था, तो बी हमारा निकल के आ गया क्या कि 3 - 6 = 4, 1 - 2 - 3, 1, 3, 2, ये हमारा बी निकल के आ गया। नेक्स्ट अब हमको करना क्या है इसमें, एडजेंट ऑफ जो वैल्यू निकालनी है कि बी हमें पता लग गया, एडजेंट ऑफ बी निकालना है। तो बी जब ये मैट्रिक्स है तो एडजेंट ऑफ बी वही कोफैक्टर के अकॉर्डिंग हमको निकालना पड़ेगा। अब ये इसको भूल जाए आप, एडजेंट ऑफ ए है, इसको करना पड़ेगा, बी मैट्रिक्स ये है तो एडजेंट कैसे निकाल रहे हैं, वही कोफैक्टर फॉर्म से, तो इसके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो इसके कोफैक्टर कैसे निकल के आ रहे हैं, इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो करते जाइए आप, एडजेंट ऑफ बी कैलकुलेट कर लीजिए आप, कितना आ रहा है ये 5 0 10 - 5 10 5 5 - 15 0, इसके इक्विवेलेंट आ रहा है, आप कैलकुलेट करके देखिएगा। फिर नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है, एडजेंट ऑफ बी निकालिए। अब ये देखा जाए तो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, तो ये देखिए ए फॉर्म में कैसे आ रहा है, कंपेयर करें, अगर मैं इसमें से पूरे में से 5 कॉमन ले लूं तो किसके इक्विवेलेंट बन रहा है, ये 5 कॉमन ले लूं तो क्या बन रहा है, 1 - 1 1 0 2 - का 3 और 2 1 0, ए मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट बन रहा है ये 1 0 2 - 1 2 1 1 - 3 0, ए के इक्विवेलेंट बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ बी किसके इक्विवेलेंट हो गया, 5 टाइम्स ऑफ ए के इक्विवेलेंट हो गया, और सी भी किसके इक्विवेलेंट है, 5 टाइम्स ऑफ ए के इक्विवेलेंट है। तो निकालना क्या है हमको, एडजॉइंट ऑफ बी, तो एडजॉइंट ऑफ मतलब सी बी 5 ए के इक्विवेलेंट है और एडजॉइंट बी भी 5 ए के इक्विवेलेंट है, तो इनका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इक्वल ही आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी का जो आंसर आएगा वही डिटरमिनेंट ऑफ सी का आंसर आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कि इन दोनों की आंसर ही कितना आएंगे, सेम आएंगे, कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी नहीं हमें। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या रहे, इक्वल थे, कि एडजेंट ऑफ बी भी किसी इक्विवेलेंट आया, 5 ए के इक्विवेलेंट आया, सी भी किसी इक्विवेलेंट आया, 5 ए के इक्विवेलेंट आया, तो दोनों ही का ही डिटरमिनेंट जब हम निकालेंगे तो वो इक्वल ही आएगा, तो डिवाइड कर रहे तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये हमने जो प्रोसेस किया ये थोड़ा लेंथी हो गया, डायरेक्ट अगर आप सॉल्व करते तो वो इजिली सॉल्व हो जाता। कैसे, कि आपने ये जो फॉर्म निकाली कि एडजेंट ऑफ बी, अब एडजेंट ऑफ बी को आप कैसे लिख सकते हो, एडजेंट ऑफ बी, बी क्या चीज है, एडजेंट ऑफ ए, तो इसको आप लिख सकते हो एडजेंट ऑफ ए, इस टाइप से लिख लिया आपने। नेक्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ सी, और डिटरमिनेंट ऑफ सी किसके करंट है, 5 ए के, तो ये लिख लेते हैं अपन 5 ए, ये टर्म हो गई। अब यहां हम जब कंडीशन कर रहे हैं तो ए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट आपने क्या लर्न किया था, आपने किया था कि ए टू द पावर n-1 का स्क्वायर, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आपने निकाला था उसका स्क्वायर क्या था, ये टर्म आपने की थी, डिटरमिनेंट ऑफ ए n-1 का होल स्क्वायर। अब यहां हम देख लेते हैं कि 5 डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी की मैं आपने देखा था क्या कि के इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये देख रहे हैं, तो ये कैसे आ रहा है, तो के जब हम ले रहे हैं बाहर तो क्या क्या हो जाएगा, के की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, के क्या है, कोई भी इंटीजर वैल्यू है, तो सी हमने किसके इक्विवेलेंट लिखा था, 5 ए के, इसका डिटरमिनेंट कर रहे हैं, तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है, के टू द पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जब नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये किस टाइप से आ रहा है, कि के की पावर एन, इधर एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या चल रही है, ए की ऑर्डर कितनी है, 3 ऑर्डर की है, तो एन क्या हो गया, 3 हो गया, अगर 2 ऑर्डर की होती तो एन क्या होता, 2 हो जाता। इस क्वेश्चन में के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को, तो क्या लिख देते हैं हम इसमें, डिवाइड बाय 5 की पावर n, n मतलब कितना है, अभी तो n ही लिख देते हैं, n और डिटरमिनेंट ऑफ
ए, ये कंडीशन हो गई। अब बार बार यहां क्या यूज हो रहा है, डिटरमाइंट यूज हो रहा है, तो डिटरमाइंट यहां से निकाल लेते हैं अपन। डिटरमाइंट ऑफ ए निकालते हैं, कैसे निकलेगा डिटरमाइंट ऑफ ए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर रहे हैं, 1 0 और ये प्लस का 3। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जब कर रहे हैं तो -1 माइनस माइनस प्लस का 1 और ये हो जाएगा 0 और ये प्लस का 6। और ये जब हम कर रहे हैं थर्ड वाला तो प्लस का 1 और क्या हो जाएगा 0 और माइनस का 4, ये हो गया। तो कितना आ रहा है, 3 प्लस 6 माइनस 4, 9 माइनस 4 मतलब कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहां पुट करते हैं अपन इसमें ये वैल्यूज, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 5 की इक्विवेलेंट आ गया, तो यहां पुट करते हैं 5, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी 5। एन क्या होता है, एन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो एन इस क्वेश्चन के अंदर ए मैट्रिक्स किस फॉर्म में है, 3 फॉर्म में है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एन कितना हो गया 3। तो यहां 3 माइनस 1 कर रहे हैं तो कितना आ गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यहां 5 है ही, एक्चुअल में 5 कैसे निकाला था हमने, ये प्रॉपर्टी हमको ध्यान होनी चाहिए कि के ए का होल डिटरमाइंट, के एक इंटीजर वैल्यू है, के ए का होल डिटरमाइंट, तो के जब बाहर आता है तो क्या आएगा, होल टू द पावर के टू द पावर एन, एन क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और डिटरमाइंट ऑफ ए, डिटरमाइंट ऑफ ए कैसे निकलता है वो आपको क्लियर ही है। फिर ये हो गया 5 पावर n, n कितना है मेरे पास 3, और ये हो जाएगा मेरे पास डिटरमाइंट ऑफ ए, तो डिटरमाइंट ऑफ ए कितना हो गया 5, तो ये भी 5 की पावर 4 बन गया इंडाइसिस फॉर्म के अकॉर्डिंग, ये भी 5 की पावर 4 था ही, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो वो लंबा प्रोसेस करने से बेटर है कि हम प्रॉपर्टीज ध्यान में रखें कि एडजेंट ऑफ बी, बी क्या था हमारे पास एडजेंट ऑफ ए, पुट कर दिया, इसकी प्रॉपर्टी हमें ध्यान थी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, एन क्या करता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और ये कैसे ब्रेक होता है ये भी आपको बता दिया। तो प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट मेथड में कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएगी, तो प्रॉपर्टीज आप थोड़ा ध्यान में रखिए जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको टाइम भी सेव करना है। तो इस टाइप से हमने ये निकाला, और मैं भी आपको ये कहूंगा कि आप ये वाला मेथड फॉलो करें।